डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक यूजीसी नेट के पेपर वन पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ और उसका फायदा कुछ आपको मिल सके इसके लिए ये सीरीज यदि आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो पता है हम क्या कोशिश कर रहे हैं 2023 के जो पेपर्स हैं चार पेपर हमारे पास में 2023 के हैं फर्स्ट मार्च में एग्जाम होता है दिसंबर 2022 साइकिल के दो शिफ्ट और फिर जून में दो शिफ्ट ये फोर पेपर में पेपर वन के हर थीम के लगभग बीस क्वेश्चन है मतलब पांच पांच क्वेश्चन हर पेपर में ट्वेंटी क्वेश्चन काफी होते हैं एक ट्रेंड को जानने के लिए वो भी यदि वो लेटेस्ट हो क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी नेट भी अपने रंग बदलते रहता है तो आपको यदि इसका ट्रू कलर जानना है सही पहचान करनी है लेवल की तो सबसे अच्छा है ट्वेंटी पेपर आज हम लोग उसी पड़ाव में पहुंचे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन में चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन 2023 के और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं लेट अस बिगिन थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड ट्वेंटी पेपर इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू आपको बताना मेरा कर्तव्य है और आपका जानना अधिकार है कि यूजीसी नेट के यदि आप एग्जाम दिसंबर साइकिल में दे रहे हैं जो दिसंबर में होने वाली है आरपीएससी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एसएसबी पीएचडी बी एच डी इंटरेंस टेस्ट इस टाइप के कोई भी एग्जाम तो आप उस जर्नी को अभी भी बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं मैं खुद गाइड कर रहा हूं एक बैच को यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आई डी भेजें इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है और बाकी आपको जो है जब आप मेल भेजेंगे तो आपको डिटेल दी जाएगी यदि आप रिसोर्स की तलाश कर रहे हैं तो ये सब कंपटीशन के लिए सबसे अच्छे जो रिसोर्स हो सकते हैं और सबसे कम कीमत पे वो यहाँ पे है अधिकतर जो है वो अमेजन पे हैं लेकिन यू जी सी नेट गाइड अभी भी इंस्टा मौजू पे है पी डी एफ वर्जन में आप इसका फायदा उठा सकते हैं अब आइए जो इसकी सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड की छोटा सिलेबस है इसमें आप देख सकते हैं टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्नर्स करेक्टरिस्टिक है देन एडोलिसेंट एंड एडल्ट लर्निंग के अलग अलग कररेक्टरिस्टिक होते हैं दैन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक सोशल इमोशनल कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफ्रेंस जो होती हैं स्टूडेंट स्टूडेंट में उसको कैसे um, कैसे उसको टेक केयर किया जा सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स रिलेटेड टू मतलब टीचर से कैसे टीचिंग इन्वायरमेंट बदलता है लर्नर से कैसे सपोर्ट मटेरियल से क्या फायदे नुकसान होते हैं इंस्ट्रक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कैसे अफेक्ट करती है लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन में क्या असर पड़ता है और मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्या होता है और यहाँ पे स्वयं स्वयं प्रभा एमओसी इन सब के बारे में भी, भी है क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के इर्द गिर्द आते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा इसलिए सिलेबस के एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है कवर करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने अब आइए हम लोग मार्च 23 जो कि एक्चुअली दिसंबर 2022 जो तीन महीने बाद हुआ था उसके पेपर को देखते हैं पांच क्वेश्चन द ऑफ यूजिंग क्वेश्चनिप मॉडल इन द क्लासरूम तो आपको यह जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन अप्रेंटिसिप होता क्या है यहां मैंने लिख दिया है आप इसको पढ़ लीजिए ठीक से इसको नेट पे भी जाके पढ़ सकते हैं बेसिकली क्या है कॉग्निशन पहले तो समझिए दिमाग में जो उथल पुथल हो करके नॉलेज फ्रेम होती है उसको कॉग्निशन कहते हैं इस पर साइंटिस्ट काफ़ी रिसर्च करते हैं कि हम किसी चीज़ को समझते कैसे हैं तो वो उसमें ये होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो विजुअल सेंसेशन होता है या और भी सेंसरी जो हमारे ऑर्गन है उस सेंस एक्सपीरियंस से चाहे हम देखें सुने सूंघे वो हमारे ब्रेन पे जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन सॉर्ट ऑफ होती है हमारे जो पास्ट लर्निंग होती है उसको हम इसमें मिक्स करते हैं और वहां पे एक प्रोसेस होती है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कॉग्निशन जिससे कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है और एक बार जब समझ जाते हैं तो उसको हम एक तरह से अपने मेमोरी में उसको बसा लेते हैं जैसे कि कॉपी पेस्ट करके हो या उसको एक रिकॉर्ड आर्काइव करके रख लेते हैं फिर बाद में दूसरी नॉलेज को समझने में उसको हम लोग यूज करते हैं अब ये जो कॉग्नेटिव अप्रेंटिसिप है ये एक ऐसा लर्निंग अप्रोच है जिसमें कि हम किसी को एक्सपर्ट को देख करके मान जी पर्टिकुलर फील्ड में हमको मान लीजिए कि हमें कार चलाना सीखना है तो हम एक्सपर्ट के साथ बैठ के देखते हैं वो कार कैसे चला रहे हैं यदि हमें कोई म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन को देख के करते हैं हमें कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर को देख के सीखते हैं तो उसमें जो पांच स्टेप होते हैं वो मॉडलिंग है आ, मतलब पहले आप जो वो जो आपको सिखाना चाहता है उसको वो मॉडल कर रहा है मतलब आपको एक मॉडल दिखा रहा है कि इस तरह से करना है फिर इसका फोल्डिंग होते हैं इसका फोल्डिंग जैसे मकान में हम इसका फोल्डिंग सपोर्ट लगा करके जो मकान की ढलाई करते हैं उसको स्का फोल्डिंग करते हैं मतलब पहले थोड़ा सा सपोर्ट दिया और फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली सपोर्ट हटा लिया तो आप सेल्फ स्टैंडिंग हो जाते हो फिर आपका जो थॉट होता है उसको आर्टिकुलेट किया जाता है आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो एक्सप्लोर करते हो और बाद में एक तरह का आर्टिजनल आप में वो जो है आर्ट आ जाती है उसको सीख सीख करके तो ये जो पांच स्टेप है वो यहाँ पे दी गई है तो आप देख सकते हैं मॉडलिंग तो ये 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 सीक्वेंस है तो मॉडलिंग से तो ये स्टार्ट होगी ही तो इसलिए आप यहां इसको ही टिक करेंगे क्योंकि मॉडलिंग फर्स्ट है उसमें कुछ कुछ दोनों में थोड़ा फर्क है लेकिन आप मॉडलिंग से स्टार्ट करते हो एक्सप्लोरेशन से करते हो और ये जो थ्योरी ऑफ कॉग्नेटिव अप्रेंटिस जिसने दिया था वो तीन ऑथर यहां पे हैं एलन एन जॉन सीली ब्रॉन एंड एन हॉलम

एक डिबेट करा दी और उसके बेसिस पे जो इवेल्युएसन करते हो जो उसी टाइम में जब वो पढ़ाई कर रहे हो उसके इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं समेटिव जो है जस्ट जो नॉर्मल होती है टर्म एंड एग्जाम एंड सेम एग्जाम एक एक पढ़ाई हो गई उसके बाद आपको जो है एग्जाम ली जाती है तो इसमें देखेंगे तो एक टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड तो समेटिव टाइप का हो गया द टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इट्सल्फ ये फॉर्मेटिव इवेलुएशन का एक पार्ट है आपको वहीं पे पूछा फिर आपका डाउट क्लियर कर दिया द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड टू पेरेंट एवरी सिक्स मंथ ये तो ये भी फॉर्मेटिव नहीं है द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी समिटिव हो गया अब यहाँ पे अगेन कॉग्नेटिव अप्रिटेसिप के मॉडलिंग कोचिंग्स का फोल्डिंग आर्टिकुलेशन और उसका मीनिंग दिया गया है इसका सबसे अच्छा स्कैफोल्डिंग आपको पता है स्कैफोल्ड में पहले टेम्प्रोरी सपोर्ट दिया फिर लिया था इंग्लिश में यही बात यहां लिखा गया हेल्पिंग मतलब हटा लेना <laughs> तो C का और C का और एक ही में है तो आप इसको क्रैक कर लेते हैं अब ए का टू है तो बस ए का टू इस तरह से पढ़ करके आप बिना इसको मैच किए हुए समझे हुए आगे मत जाइए उससे आपको डिफरेंट जो स्टेप है उसको समझने में भी आसानी मिलेगी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कॉमन सेंसिकल है अक्षय इसको हिंदी में पढ़ता हूं आठ साल का बच्चा है इमोशनली स्टेबल था बहुत ठीक चल रहा था लेकिन उसके पेरेंट का अभी डाइवोर्स हो गया उसके चलते वो इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल हो गया एंक्स चाइल्ड हो गया तो उसका टीचर क्या उसको हेल्प कर सकता है उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या है? उसका टीचर कुड प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजनल टूल एंड चॉइस ये अच्छा नहीं है हिज टीचर कुड रेस्पेक्ट अक्षय इमोशनल स्टेट एंड लीव ही मे नहीं छोड़ देने से क्या होगा हिज टीचर कुड प्रोवाइड अक्षय विथ काउंसिलिंग रिगार्डिंग हिज एंग्जाइटी यस काउंसलिंग देना चाहिए कि ऐसा होता है तुम इसको कैसे अब पे कितना जबरदस्त आपका होगा जब ऑप्शन का ऑप्शन होता है मतलब जब ग्रुप में आप एक दूसरे से ऐसा नहीं केवल टीचर आपको लर्न करा रहा है आप खुद भी जो है जब ग्रुप में होते हो डिस्कशन होती है अपने पीयर से ग्रुप मेंबर से भी आप लर्न करते हो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्लूसिव टाइप की लर्निंग अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसा नहीं होता है तो बी को आप हटा दीजिए तो बी यहाँ है बी यहाँ है देन यहाँ देखिए रिवार्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड नहीं ग्रुप ओरिएंटेड होगा रिवार्ड ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट को आप पिक करोगे तो इसलिए आप डी को भी हटा दो तो डी हट गया तो ए एंड सी ओनली तो ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स एंड हैट्रोजेनस ऐसा ही होता है जनरली ग्रुप और सी है द स्टूडेंट्स वर्क इंग ग्रुप टू मास्टर अकेडमिक मेटीरियल ठीक है तो कॉमन सेंसिकल या जनरल स्टेटमेंट तो आपने देखा कि पांच क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थोड़े मतलब कि ज्यादा आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए अदरवाइज कॉमन सेंसिकल है अब आइए सिर्फ टू में देखते हैं पांच क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिस आर फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रपोज बाय बाडूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी उसी टाइप की है कि आप ऑब्जर्व करके लर्न करते हो किसी एक्सपर्ट को जो है बिहेवियर या अदर्स को जो है उसको इमिटेट करते हो तो इसमें बैंडूरा कहते हैं कि सबसे पहले आपको अटेंशन देना है कि वो क्या कर रहा है फिर वो जो कर रहा है उसको रिटेन करनी है आपको रिटेंशन करनी है रिप्रोडक्शन फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करो जिससे आपको लगा कि हाँ आपने सीखा है उसको एक तरह का बिहेवियल रिहर्सल है और फिर आप मोटिवेट होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हो और होने के बाद भी आपको मोटिवेशन होती है तो इसमें यदि आप देखोगे तो अटेंशन से शुरू होता है मोटिवेशन से एंड होता है इसमें एक ही है जो ए से शुरू होगी और ई से एंड तो ई से एंड और ए से शुरू केवल एक है इसीलिए आपका ये क्रम जो है और यही जो है वो है भी इनफैक्ट uh, मतलब, इसमें आपको सीक्वेंस में नहीं करना है इसमें चुनना है सॉरी चुनना है तो इसमें क्या नहीं है आप देखिए एडाप्टेशन नहीं है तो बी को हटा दो तो बी बी और ई जरूर होना चाहिए तो अगेन यही रहा ए सी डी ई बी छोड़ के बाकी सब है अटेंशन रिटेंशन बिहेवियर रिहर्सल एंड मोटिवेशन ऑब्जर्वेशन लर्निंग बैंडूरा और ये भी पूछा जाता है कि ये किसने प्रपोज किया था तो अल्बर्ट बडूरा अलग दूसरा क्वेश्चन यदि बनाएंगे तो इस टाइप बना सकते हैं स्टेटमेंट वन ये जो एडोलेसेंट एडोलेसेंस uh, का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये थोड़ा टफ है क्योंकि इन्होंने ऐसे वर्ड दो लिए हैं फोर क्लोजर और मोराटेरियम जो जनरली आपको पता नहीं होता लेकिन एक बार भी आप जान जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं स्टेट पहले समझिए इस क्वेश्चन को अभी चलिए मत पढ़िए आप पहले यहां देखिए फोर क्लोजर क्या होता है ये एक तरह का एडोलेसेंट जो है एडोलेसेंट मतलब किशोर अवस्था मतलब उन्नीस साल से पहले कह लीजिए ग्यारह से लेकर अठारह साल तक का जो एडोलेसेंट होते हैं टीन प्री टीन टीन एस एडल्ट बनने के पहले तो उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है कि मैं कौन हूँ उसमें फोर क्लोजर क्लोजर जो है एक तरह का है जब जहाँ आप ना यू गिवन अप आप अपना जो है थॉट को छोड़ चुके हो आप जो समाज का एक्सेप्टेबल जो ट्रेडिशन है नॉर्म है उसको आपने जो है मान लिया है और उसी के बेसिस पे अपने कैरियर को ही बना रहे हो अपने आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहे हो मतलब फोर क्लोज कर लिया आपने जो है है आप लड़ रहे हो वो वो पीरियड जहां एडोलसेंट जो है वो सामाजिक नॉर्म व्यवस्था से लड़ रहा है अपनी खुद का रास्ता बना रहा है अल्टरनेटिव चूज कर रहा है अब यहां देखोगे तो जस्ट उल्टा है इन एडोलसेंट पीरियड फोर क्लोजर रेफर टू कमिटमेंट विद गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस तो ये बेसिकली मोराटेरियम है और जो यहाँ पे दिया गया है मोराटेरियम ये ये जो है फोर क्लोज है इन एडोलेसेंट पीरियड फोर क्लोजर इज द पीरियड विदाउट गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस मतलब आपने वो जो क्राइसिस मतलब यहाँ पे लाइफ क्राइसिस है मतलब जो आइडेंटिटी के लिए जो आप जूझते हो तो वो क्राइसिस होती है जहाँ आपको ये समझ में नहीं आता है कि लाइफ की प्रडिकामेंट कि हम क्या है हमारा सोशल बैकग्राउंड क्या है हमारा लाइफ का एम क्या है हम क्या आगे बनेंगे कैसे जिएंगे दैट इज लाइफ क्राइसिस तो लाइफ साइकिल क्राइसिस भी कर सकते हो तो वो वहां पे जब आप गिव अप कर देते हो विदाउट गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस तो ये फोर क्लोजर है तो जस्ट दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और उल्टा है अब ये कहां से लिया है सिलेबस में आपका है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलोसेंट एंड एडल्ट लर्नर वहां से इन्होंने लिया है डैस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कैफ एंड इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस थ्रू विच ए लर्नर कैन एडवांस टुवर्ड्स एक्सपर्टाइज अभी तो हमने देखा ना कॉग्नेटिव अप्रेंटिस तो ये फिर से एक बार देखिए कितनी बार इसको जो है पूछ रहे हैं फिर यहां पे मैंने सब कुछ दे दिया है पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए यहां स्कैफ है तो फिर मैंने दे दिया है पे पढ़ लीजिए अर इज द फाइव फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच कंस्ट्रक्टिविज्म तो पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है मतलब कैसे आप मीनिंग मीनिंग मेकिंग आप आप कैसे मायने निकालते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म ये है कई तरीके से मीनिंग जो है हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके निकालते हैं डिस्कोर्स से निकालते हैं स्पीच के थ्रू डायलॉग के थ्रू इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब कि आपस में बातचीत करके मीनिंग निकालते हैं इस तरह से हम मीनिंग को गढ़ते हैं दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म

मतलब परि पर, परिवेश या इन्वायरमेंट इको इको सिस्टम को एक्सप्लोर कीजिए फिर फिर एक्सप्लेनेशन डेवलप कीजिए अपनी फिर उसको इलाबरेट कीजिए और इवेलुएट कीजिए अपने थॉट को तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसी को अरेंज करने का है इस अप्रोच को तो इवेलुएशन सबसे लास्ट में तो बी सबसे लास्ट में सॉरी uh, सी सबसे लास्ट में और इंगेजमेंट सबसे ऊपर तो ई e सबसे पहले तो ई e सबसे पहले और सी बाद में केवल एक में है तो आसान है इसको आपको याद करना चाहिए तो अभी आपने देखा कॉग्नेटिव अप्रेंटिशिप देखा आपने बंजूरा का आपने जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखा और यहां कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग देखा तीन मेथड इन तीन को ठीक से याद कर स्वयं जो है आपको जैसे स्वयं स्वयं प्रभा ये सब आपको कहा गया है सिलेबस में है पूछा जाएगा तो ये पूछ रहे हैं लेकिन जो ये पूछ रहे हैं आ, वो ये तो ठीक है लेकिन आगे एक क्वेश्चन देखिए कितना उठपटांग इन्होंने पूछा कितना रोट लर्निंग है ये ठीक है स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजिग्नेटेड टू अचीव द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी वो थ्री कार्डिनल क्या है सबको एक्सेस होना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन है तो यदि लेकिन सबको एक्सेस कहाँ होता है मान लीजिए आपके पास में इंटरनेट नहीं है आपके पास में स्मार्टफोन या टैबलेट या लैपटॉप नहीं है तो एक्सेस नहीं है एक्सेस नहीं है तो इक्विटी भी नहीं है अमीर आदमी अमीर आदमी के बच्चे जो हैं वो स्वयं से कर सकते हैं आप नहीं कर सकते एंड क्वालिटी तो ठीक है स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो एक्सेस इक्विटी क्वालिटी तो थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल बेस है स्वयं है क्या स्वयं जो है एक तरह का एम है एम क्या है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स मतलब जहाँ पे कि मैसिव इसलिए क्योंकि ढेर सारे कोर्स इसमें हैं ऑनलाइन है और ओपन है मतलब कोई भी इसमें आके एडमिशन ले सकता है ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है एग्जाम दे सकता है और डिग्री ले सकता है स्वयं मतलब खुद से आप पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी इंस्टीट्यूशन के अब आइए जून 2023 के सिफ्ट वन के पेपर को देखते हैं पांच क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच क्या होता है मैंने यहां पर बताया भी है ऑफ कोर्स मैंने क्या बताया यह इंटरनेट से है लेकिन आपको समझाने के लिए इट इम्फेसाइज इज द इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्टिव या इननेट या बाय बर्थ पोटेंशियल फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड पर्सनल गोल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब जो ह्यूमन का जो एबिलिटी है ह्यूमन सेंटर्ड जो अप्रोच है जहां एक इंडिविजुअल खुद सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग करता है कोई ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से थोपा जा रहा है और वो नीड बेस्ड है उसको जब फील होता है कि हमको नॉलेज लेना है तो वो नॉलेज लेता है ना कि जबरदस्ती और इसमें जो स्टूडेंट होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है इंगेज होता है और रिएक्टिव होता है रिएक्टिव वर्ड वैसे तो निगेटिव है लेकिन यहाँ पे है कि वो रिएक्ट करता है क्योंकि वो खुद चाहता है तो वो एजुकेशन का जो लर्निंग टीचिंग इन्वायरमेंट है उससे वो जुड़ता है इंगेज करता है और रिएक्ट करता है उसके साथ में पैसिव नहीं रहता रिएक्टिव का मतलब पैसिविटी का उल्टा है तो इसमें सब कुछ है ए से लेकर के देखिए इट इन्फेसाइजेज सेल्फ मोटिवेटेड फॉर बेटर लर्निंग इन्फेसाइजेज ऑन लर्निंग एट द हायर लेवल फॉस्टर्स क्यूरिसिटी लर्नर्स रिएक्टिविटी इट बिलीवस इन लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव एंड इट इज नीड बेस्ड तो ये सभी इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सही है ये ये वाला मैं एक बोल रहा था क्वेश्चन कैसा है इन स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा क्या है 34 फोर डी टी एच चैनल है जिसपे की एजुकेशनल कंटेंट दूरदर्शन से प्रसारित ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करती है ये इतने चैनल ये ऑर्गेनाइजेशन यूजीसी इतना एनसीआर लाइक दैट वो हम हाँ आपको बताएंगे आगे इन स्वयं प्रभा चैनल नंबर एट जिसमें फिजिक फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट है इसका क्या नाम है इससे बड़ा रोट लर्निंग क्या होता है वैसे इसका नाम आर्य भट्ट है लेकिन आगे देखिए अब यहाँ पे चैनल एक से लेके जो दस तक और इक्कीस जो है ये यू इसको मैनेज करता है और इसने सबका अलग अलग नाम दिया चैनल वन का वागी चैनल टू का संस्कृति चैनल तीन का प्रबोध चैनल फोर सरस्वती चैनल फाइव प्रबंधन चैनल सिक्स विधिक चैनल सेवन कॉटिलिया सेवन एट आर्यट जो मैंने अभी आपको बताया जो क्वेश्चन पूछा था इसका सबका सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं फिजिकल साइंस साइंस ये सोशल है चैनल यह स्पंदन और चैनल चैनल दक्ष और 21, ब्यास. तो ये सी मैनेज करती है नाम केवल इन्हीं का है बाकी में नेम नहीं है ग्यारह से सोलह चैनल जो है नंबर नंबर ऑफ चैनल इलेवन टू सिक्सटीन स्वयं प्रभा का वो एनपी uh, करती है जो आई देखते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड लर्निंग चैनल सेवेंटी एंड 20 इगुनू के हवाले है और 23 से 30 जो है प्राइमरी एजुकेशन और चैनल 31 से 34 जो है सेकेंडरी एजुकेशन एन तो ये जो है एन है या हायर एजुकेशन है ये देख लीजिएगा हायर एजुकेशन मुझे लग रहा Higher Education है हायर एजुकेशन है नॉट एनसीआर तो इसको इसको रट लीजिए और ये जो चैनल के जो नेम है उसको भी रट लीजिए मुझे कहते भी शर्म आ रही है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग आर अभी आपने देखा मतलब कि आप ऐसे करके ढलाई करते हैं ना तो हम एक बांस लगाते हैं या इसका फोल्ड लगाते हैं और फिर धीरे धीरे करके जब वो मजबूत हो जाए तो हम इसको हटा लेते हैं तो इसको स्कैफोल्डिंग करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड क्लूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम तो ये स्कैफोल्डिंग होगी ए होना चाहिए ए इसमें नहीं है ए इसमें नहीं है अलाउिंग द स्टूडेंट टू फिगर आउट द प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन यदि ऐसा है तो फिर प्रॉब क्या है तो बी नहीं हो सकता है तो एक ही बच गया ए एंड डी आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन टू गाइड द स्टूडेंट स्टूडेंट थिंकिंग मतलब को हम थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं उसको गाइड कर रहे हैं अब देखिए सी क्यों नहीं होगा प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल द आंसर्स एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम यदि हमने सब कुछ उसको बता दिया तो इसका फोल्डिंग नहीं इसका फोल्डिंग मतलब कंट्रोल्ड सपोर्ट जो धीरे धीरे करके हटा दिया जाता है ए एंड डी

क्राइटेरिया uh, रेफरेंस्ड होती है क्राइटेरिया रिफरेंस क्राइटेरिया रिफरेंस में केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है तो आपने ड्राइविंग कर लिया पास या फेल ये फोर्टी परसेंट ले आए क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड उसमें आपको रैंकिंग नहीं दी जाती क्राइटेरिया रिफरेंस्ड पीयर रिवोल्यूशन में एक दूसरे का जो पीयर है आपके जो साथ पढ़ते हैं वो आपकी टेस्टिंग करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे कि सैट है जी है uh, या जी मैट है जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो जिसमें कि क्वेश्चन जो है एडेप्टिव होते हैं और उस वो भी एक तरह का तो नॉर्म रिफ्रेंसड uh, है उसमें भी एक तरह की जो है आपको रैंकिंग दी जाती है लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है एंड ट्रेडिशनल ग्रेडिंग तो ठीक है मतलब कि बहुत तरीके से हम ग्रेड कर सकते हैं बच्चों को वन टू थ्री फोर लाइक दिस इनोवेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन जो है मतलब जो इन सब से थोड़ा हट करके उसमें से एक यहाँ पे केवल है पीयर इवैल्युएशन और जो हो सकता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट है पोर्टफोलियो असेसमेंट है बच्चे जो है अपने काम का जो है वो एक बुकलेट बनाते हैं कि हमने ये किया ये आर्ट क्राफ्ट एंड डिजाइन इन सब में इंपॉर्टेंट होता है उसके बेसिस पे जो है या आप बच्चे दिखाएंगे कि हमने देखो ये सब एस लिखा है या हमने ये सब काम किया है उसके बेसिस पे पीयर असेसमेंट आपने देखा सेल्फ असेसमेंट बच्चे खुद अपना एसेस कर सकते हैं सिमुलेशन रियल लाइफ सिचुएशन दीजिए जैसे कि ड्राइविंग का है और उसको टेस्ट करना है या कोई पायलट का है और उसको टेस्ट करनी है कोई एक रियल लाइफ सिचुएशन उसको सॉल्व करनी है कोई डिसीजन लेनी है पब्लिक पॉलिसी का पढ़ा रहे हैं रियल लाइफ टाइप का सिमुलेट कीजिए उसमें डिसीजन लेना है एंड केस स्टडी डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन एंड कई तरह से आप इनोवेटिव वे में आजकल टेस्टिंग की जाती है अब आइए लास्टली uh, जो है सिर्फ टू जून 2023 का देखते हैं इसमें मैं चार ही क्वेश्चन ढूंढ पाया हो सकता है पांचवा मैं नहीं ढूंढ पाया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मेटेरियल आपको पता है जैसे कि उनको पीडीएफ फॉर्मेट में लेक्चर दी जाती है स्लाइड्स दिए जाते हैं कई बार आजकल जो है सॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट मटेरियल दिए जाते हैं बुक दी जाती है आर्टिकल्स दिए जाते हैं कई तरह के सपोर्ट मटेरियल दिए जाते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस किस बात पे डिपेंड करता है कि क्लैरिटी एंड कंप्रिहेंसिबिलिटी हो सही है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से थोड़ी होता है आप पूरा का पूरा बोझा बोझा दे देंगे लेकिन यदि वो इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है तो बी को हटा दीजिए तो बी आ, और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द लर्नर्स एज एंड लेवल यस अप्रोप्रिएट होना चाहिए रिलिवेंट होना चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव से तो बी छोड़ के तीनों ही सही कॉमन सेंस

इंफ्रिटी पैदा कीजिए तो ये सी को निकाल दीजिए तो सी 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 तो केवल एक ही बचता है ए बी डी और क्रैक हो गया यूज ए वराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बी है गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू शेयर दर एक्सपीरियंसेज एंड लर्निंग विथ इच अदर फॉस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉपरेशन तो आप सी को जैसे ही निकालते हैं आपको ऐसे ही पता चल जाता है तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया क्रिएट एन इंटरेक्टिव गैलरी एक वॉल बनाना चाहते हैं फेमस आर्टिस्ट का उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो कौन सा टूल जो है ऑनलाइन टूल सबसे अच्छा सूटेबल है इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक कि आपने पहले नहीं देखा है क्योंकि कितने ही ऐप है कितने ही पोर्टल है कैसे जानते है? ये पैडलेट जो है सबसे अच्छा है मैंने यहाँ पैडलेट का इंटरनेट से लेके दिया है यहाँ ब्यूटिफुल आप बोर्ड बना सकते हैं वॉल पे चिपका सकते हैं और ये कोलेबरेटिव होता है मतलब स्टूडेंट चार पांच दस स्टूडेंट टीचर के साथ मिलके किसी ने एक पिक्चर दिया आर्टिस्ट का फिर उसके बारे में किसी ने जीवनी लिखी लाइक दिस ये आप कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग आई नो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा उसके लिए पढ़ने की भी कोई खास जरूरत नहीं है आप ऐसे ही कर सकते हो और एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपको बिना किसी तैयारी के आपका जो अभी तक आपने एक डेवलप किया है एक ब्रॉड नॉलेज एंड एप्टीट्यूड उससे आप इसको सॉल्व कर पाए लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इंडियन एग्जाम सिस्टम में आप अपने इंस्टिंक्ट और एप्टीट्यूड पे भरोसा मत कीजिए आप कोई अच्छी बुक लेके ऐसे के वी एस मैदान की है या रिहंत का है उसको लेकर के और जो मेरी पास्ट ईयर पेपर पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस है उसको देखिए और नेट पे जाके थोड़े बहुत फ्लेश आउट करके समझ लीजिए सिलेबस के अनुसार काफ़ी आसान है पेपर वन में आपको जरूर 80 परसेंट सबको क्रैक करना चाहिए सो थैंक्स फॉर वाचिंग और एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूं कि यदि आप बोथ पेपर वन और पेपर टू कि दोनों की तैयारी एक साथ बहुत अच्छे से करना चाहते हैं वो भी बहुत मजेदार वे में तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग जो चल रहा है और बहुत ही अच्छी आपको एक फीलिंग भी होगी क्योंकि एक ग्रुप है जो कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं अभी आपने देखा है और वहां पे कुछ नहीं तो आपको एक अच्छी जर्नी एक सुखद एहसास तो जरूर होगा और उसका परिणाम भी अच्छा रहेगा यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने को तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विद नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे आगे आपको गाइड किया जाएगा इट इज अवेलेबल एट अल कॉस्ट और यदि आप मुझसे रीच करना चाहते हैं कॉमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं मिलेंगे जल्द ही एक और वीडियो को लेकर ईयर पेपर एनालिसिस क्योंकि अभी मैं पेपर वन पे वर्क कर रहा हूँ तो मिलेंगे जल्द तब तक के लिए विदा